नमस्कार दोस्तों, माय टेक की सपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज, इंस्टाग्राम न्यू ट्रेंड के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अभी जो इंस्टाग्राम पे एक ट्रेंडिंग वीडियो चल रहा है, ट्रेंडिंग रील चल रही है, जिसमें जो है आपकी बचपन की फोटो से कंपेयर किया गया है आज की, मतलब अभी की जो अच्छी वाली फोटो है उससे। तो पहले वाला वो वाला वीडियो आप यहाँ पर देख लीजिए। क्यों इस तरह का वीडियो आप खुद का बनाना चाहते हो तो किस तरह से एडिट करना पड़ता है, ये सब कुछ बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही कम समय में आपको समझाऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर ट्रेंडिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा और एक भी फेक वीडियो नहीं मिलेगा और बहुत सिंपल तरीके से आपको यहाँ पर समझाया जाएगा। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर जाकर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से एडिटिंग करनी है। तो दोस्तों, जो है मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुका हूँ। तो जो स्टेप मैं फॉलो करूँगा वही स्टेप आपको फॉलो करना है। तो गाइज, आज का वीडियो आज एडिट करेंगे VN एप्लीकेशन में। अगर आपको VN एप्लीकेशन के बारे में पता नहीं तो बहुत ही सिंपल एडिट करने वाला एप्लीकेशन है, इसमें कोई भी वाटरमार्क नहीं आता, तो बहुत सिंपल है। आप ये वीडियो देख लीजिए। तो इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी सब कुछ फ्री है इसमें। तो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का जो है आ जाता है इंटरफेस। तो आपको क्या करना है, यहां पर आपको प्लस का आइकन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। तो गाइस, हमें ओल्ड फोटो वर्सेस न्यू फोटो एडिट करनी है, इसलिए आपकी जो भी ओल्ड फोटो है, ये अब यहां पर आप देख सकते हो, ये वाली फोटो जो है मेरी ओल्ड फोटो है, बहुत दिनों पहले खींची, मतलब बचपन की फोटो है, वो बचपन की फोटो यहां पर आपको दिखाई दे रही है। इस तरीके से आपकी फोटो जो ओल्ड है उसको सेलेक्ट करना है, एक नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपको आपकी लेटेस्ट फोटो, मतलब आपकी जो अभी खींची हुई अच्छी वाली जो फोटो है, जो बहुत ही अच्छी दिख रही है, उस तरह की फ़ोटो आपको लेनी है। तो यहाँ पर मैं अपनी रिसेंट वाली फ़ोटो ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इस तरीके से दो नंबर उसको आ जाएगा। तो इस तरह से क्लिक करना है। तो इस एरो पर क्लिक करने के बाद आपका इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो इस तरह का इंटरफेस आ जाए, पहली वाली फ़ोटो, उसके बाद ये दूसरी वाली फ़ोटो, बाद में आपको लास्ट में एक ब्लैक पार्ट दिखाई देगा, इसको कर देना है डिलीट। तो गाइस, उसके बाद यहाँ पर आपको ओरिजिनल दिखाई देगा, यहाँ पर ओरिजिनल। तो यहाँ पर इस ओरिजिनल के एरो पर क्लिक करना है और यहाँ 9:16 का रेशियो पर क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो है जो रील के साइज़ में यहाँ रील एडिट हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, म्यूज़िक के साथ आपको फोटो को वीडियो को एडिट करनी है। तो यहाँ पर आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ पर म्यूज़िक का प्लस आइकन दिखाई देगा, बाद में म्यूज़िक पर क्लिक करना है। तो आपके पास वो वाला म्यूज़िक तो नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और बाद में एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो कर देना है। तो गाइज़, मैं आपको ये यहाँ पर एक फ़ोटो देख रहे होंगे जो मेरी इंस्टाग्राम की रील है, उस तरह का 4 सेकंड का एक वीडियो आपको डाउनलोडिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो वाला लिंक जो है आप टेलीग्राम चैनल से भी मेरे डाउनलोड कर सकते हो, जिसका नाम है माय टेक की सपोर्ट। वहाँ से अब आज की डेट में वहाँ पर मैं अपलोड कर दूँगा। उसी के साथ मैं जिप फाइल, मतलब एक फ़ाइल भी दूँगा जो मीडिया फायर से आप डाउनलोड कर सकते हो, आपको जो पसंद आए उस तरीके से कर लीजिए। तो इसको कर देना है क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, तो इसको ओके कर देना। वीडियो में था वो MP3 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपको मैं म्यूज़िक प्ले करके दिखाता हूँ। तो गाइस, इस तरीके से हमारा है म्यूज़िक हो चुका है। तो यहाँ पर चूज़ के बटन पर आपको सीधा क्लिक करना है और यहाँ पर राइट के बटन पर क्लिक करना है। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा ऑडियो यहाँ पर ऐड हो चुका है, जो ब्लू पार्ट है। तो जहाँ तक आपको ये देख सकते हो, जहाँ लाइन लाइन दिखाई दे रहे, मतलब आप प्ले करके भी देख सकते हो, आपको प्ले करके दिखाऊंगा जिस तरीके से म्यूजिक चल रहा है, उस तरीके से आपको इसको कट कर देना है। तो चलिए, यहाँ से म्यूजिक हमारा जो है चल रहा है, यहाँ पर फोटो चेंज करनी है हमको, बुलेट का साउंड आता है, तो इसको स्प्लिट कर देना है, बाद में इसको कर देना है डिलीट। तो हो चुका। उसके बाद यहाँ पर थोड़े यहाँ पर आ जाना है, मतलब जहाँ पर कट है उससे थोड़े आगे। उसके बाद यहाँ पर आपको FX पर क्लिक करना है और यहाँ ब्लैक ऑप्शन, आपको वाइट ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है और इसको थोड़ा ऐसे कम कर देना है। तो इसको अप्लाई कर देते हैं, तो इस तरीके से इफेक्ट हमारा बैठ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर इस फोटो पर एक बार क्लिक करना है, FX पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इफेक्ट डालना है। तो यहाँ पर अच्छे वाला इफेक्ट आप डाल दीजिए, तो जो भी अच्छे लगे, तो यह वाला इफेक्ट डाल दीजिए। तो जिटर डाउन ये वाला इफेक्ट डाल दीजिए, उसको राइट कर दीजिए। तो गाइस, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ किस तरह से हमारा रील चलेगा। तो गाइस, यहाँ पर हमारा म्यूजिक कम होता है, तो इसको आपको इस ब्लू पार्ट को यहाँ तक ले खींच के लेना है, तो यहाँ म्यूजिक तक हो जाएगा। तो गाइस, हमारा वीडियो, तो गाइस हमारा रील एडिट हो चुका है, एक बार देख लीजिए। तो
तो सीधा आपको यहाँ एक ऊपर एक एक्सपोर्ट का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है और वीडियो को सेव करना है। तो हमारा वीडियो जो एक्सपोर्ट हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पर परसेंटेज चलेंगे। तो गाइस वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी तरह की वीडियो आगे देखनी। तो उसके बाद आपको यहाँ पर सेव टू एल्बम पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव टू एल्बम करोगे तो हमारा जो वीडियो हमने एडिट किया है हमारी गैलरी में सेव हो जाएगा। मैं गैलरी में आपको प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो हमारा वीडियो सेव हो चुका। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको इस रील का एडिटिंग ट्यूटोरियल बताया। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि इस तरह का रील वो भी एडिट कर सके। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आपको इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ से मुझे जो वाला वीडियो आपको एडिट करके चाहिए वो वाला वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए, वो वाला वीडियो शेयर कर दीजिए, उसका ट्यूटोरियल मैं अपने यूट्यूब चैनल पर दे दूंगा।